आपका नाम बताइए, आपका नाम बताइए। आ जा, यहीं आ जा, चौकी में आ जा, धारा चौकी है ना। धारा चौकी में मैं तो यूके में नहीं हूँ ना भैया जी। हमारा कहना ये है कि उसका जो भी है, अगर व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ मत डालो, सोशल मीडिया में अगर कोई गलत की ना लड़की। हाँ तो लड़की झूठ नहीं बोल सकती है क्या? मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ, मेरी बात। हाँ बोलिए बोलिए। चाहे लड़की कुछ भी होता है, सोशल मीडिया पे आप नहीं डाल सकते, ठीक है ना? क्यों नहीं डाल सकता? अगर लड़की अगर झूठा अगर गवाह दे रहा है मेरे ऊपर कि मैं ना, उसमें ऐसा ना, तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, कानून कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है, अगर कोई लड़की चाहे कुछ भी है उसके बारे में नहीं डाल सकते आप। और अगर किसी को लग रहा है ना कि सभ्या ने नेपाल की इज्जत डुबा दी, तो अगर आज इंडिया में नेपाल का नाम जानते ना तो वो सभ्या के नाम से ही जानते गाइस। Who are you? अगर आज इंडिया में नेपाल का नाम जानते हैं तो वो सभ्या के नाम से जानते गाइस। वाह भाई वाह, मतलब गाइस आप लोग समझ रहे हो कि ये बंदा मतलब खुद की गर्लफ्रेंड को कवर करने के लिए कितना बड़ा मतलब स्टेटमेंट दे रहा है नेपाल के बारे में। सभ्या का मतलब सीएम है या पीएम है नेपाल का, कि सभ्या के कारण ही सिर्फ इंडियंस नेपाल को जानते हैं। एक कंट्री को भी छोटा दिखा रहा है तू। हाँ व्हाट ही डिड गाइस, पीआर भाई का शामी ने ना मेरे और सभ्या को अननोइंगली रिकॉर्ड करा, हमारी लड़ाई को रिकॉर्ड करा, एंड ही पोस्टेड अ वीडियो टुडे ऑन यूट्यूब की UK07 राइडर एक्सपोज। मुझे यहाँ पे बात ये आता है कि अगर मैं वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता जो सभ्या और अनुराग मेरे ऊपर चढ़ रहा था, ठीक है, अगर ये वीडियो मेरे पास नहीं रहता तो पता है क्या होता, विक्टिम मैं बन जाता। ठीक है, सभ्या ने जो ट्रम्प कार्ड खेल दिया ना वहां पे, कि मेरे ऊपर एलिगेशन लगा दिया, जो फेक एलिगेशन लगा दिया, मैंने गाली दिया उसको, मारने का कोशिश किया, वो सारी चीजें ना अब तक मैं मतलब डिस्ट्रॉय हो चुका होता। और गाइस एक फैक्ट बताओ आप लोगों को कि आजकल इंडिया में ना ऐसे बहुत सारे लड़के रहते हैं ना जो लोग मतलब ऐसे ही उसका जिंदगी ना खराब हो जाता है जब कोई लड़की आके उसके ऊपर फेक एलिगेशन लगाते हैं, उन लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं रहता है और वो लोग ना मतलब विदाउट डूइंग एनीथिंग वो लोग बस क्रिमिनल में बदल जाते हैं। लोग समझो बात को कि मैं क्यों रिकॉर्ड किया था वो सारे वीडियो, अगर मैं नहीं करता तो मेरे पास कुछ भी प्रूफ नहीं रहता, मैं मेरे पास कुछ भी दिखाने के लिए नहीं रहता कि एक्चुअल में नेपाल में क्या हुआ था मेरे साथ। जब सभ्या ने वो वीडियो डाला था, तेरे को मालूम है कि मेरे पास कितने मैसेजेस ऐसे गंदे मैं दिखाऊं लोगों को रोते रोते हुए दिखाऊं? हम लोग बंदे भाई रोते नहीं है, ठीक है, हम लोगों के पास भी इमोशंस है। मेरे माँ बहन के ऊपर गालियां दे रहा था उस टाइम, तब मैंने बोला था कुछ रोते रोते, क्या बोलूं भाई यार, तुम्हारे लिए कोई शब्द नहीं, दोगला तुम दोगले इंसानों के लिए कोई शब्द नहीं है भाई, हम कुछ नहीं बोल सकते, विद फैक्ट सारी चीजें सामने पड़ी हुई हैं। तो गाइस यहाँ पर अनुराग ना सबको बता रहा है कि प्राइवेट वीडियो मैंने आमिर के साथ शेयर किया। कौन सा प्राइवेट वीडियो? वो वीडियो में आप लोग देखोगे तो वहां पर अनुराग भी खुद रिकॉर्ड कर रहा था मुझे, ठीक है, एज अ प्रूफ के लिए, तो वो प्राइवेट वीडियो कैसे हो सकता है? देखो ये जो उसने जो बता रहा था ना कि जो प्राइवेट वाला वीडियो मैंने उसको भेजा है पहले से, ये कब मैंने भेजा है ब्रो, कब भेजा है मैंने, तो मैं वो सारी चीजें ना आप लोगों को दिखाऊंगा। आमिर भाई रोने से कुछ नहीं होता ब्रो, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। आमिर के साथ मेरा कनेक्शन तब हुआ जब वो मेरे को वापस इंडिया भेज रहा था, अकेले छोड़ दिया था मेरे को नेपाल में। ये बंदा टाइम के साथ खेल रहा है, सच्चाई छुपा लेगा ना, कितना भी छुपा लोगे बट नहीं छुपेगा। और सभ्या किसी ने जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया, आप लोगों को तो अभी तक समझ में आ गया कि ये फेक एलिगेशन है, इसीलिए अनुराग ने अपने IGTV वीडियो में ना इसका एक पल भी जिक्र नहीं किया, एक पल भी वो चीज के बारे में बताया नहीं, लोगों को दिखा दिया कि ये फेक एलिगेशन है, तब जाके गाली पड़ रहा है। तब उसे हेट मिल रहा, तो हेट मिलेगा, गलत बोला वो सारा, वो बस सिंपैथी गेन करना चाहता है रोकर। तो गाइस आज के वीडियो के बाद ना सारी चीजें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लोगों के मन में बस यही चीजें था कि ये अनुराग जो मतलब लोगों को बोल रहा है कि मैं और आमिर पहले से मिले हुए थे, हम दोनों मिलके उसको एक्सपोज करने के लिए नेपाल में आया था। भाई इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है और इतना पैसा तेरे ऊपर खर्चा करने का कोई इरादा भी नहीं है, पेड़ से तो पैसा नहीं गिर रहा है कि उसके ऊपर एक्सपोज वीडियो बनाने के लिए मैं नेपाल चला जाऊं। मैं तेरे को भाई मानता था तो इसीलिए ना मैं तेरे साथ नेपाल में गया था तेरे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है, और तू भाई के नाम पे ना धब्बा है, तूने क्या किया मेरे साथ।